जोधपुर में कल शाम शुरू हुआ बारिश का दौर देर रात तक जारी रहा। इससे काफी लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। इस दौरान शहर में करीब 1.5 इंच बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। इससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पानी के तेज बहाव में कई वाहन बह गए। गर्मी बहुत तेज थी, बहुत तेज थी गर्मी और बारिश आई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हल्की सी राहत मिली है, लेकिन जब तक 5-7 बारिश नहीं आएगी जब तक जोधपुर के अंदर ठंडक नहीं होनी है। हम चाहते हैं ईश्वर से, ये इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि खूब सारी बारिश हो, जिससे न केवल किसानों का और आम जनता को भी राहत मिले। गर्मी बहुत थी इन दिनों, बहुत परेशान हुए। अब बारिश आई है, राहत मिली अच्छी हमें, और हम 3-4 दिन से तो बारिश का वेट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है बारिश आ रही है, आगे भी ऐसी आती रहे। यहाँ जोधपुर में उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो जाएगी, और अब बारिश आई है तो जरूर घूमने जाएंगे झरनों में। वैसे गर्मी में कहीं जाना आना नहीं हो रहा था, ट्रेवल करने में भी परेशानी हो रही थी, बहुत तापमान था इस बार। अब थोड़ा सी राहत मिली है, कोहरे जाने वाने जाने में राहत मिली। उधर एयरफोर्स क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान निर्माणाधीन नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसमें एक युवक के गिरने से पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर के समक्ष घटना को लेकर विरोध जताया। वहीं नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर ने मामले में लापरवाही बरतने वाले लोगों को खिलाफ जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसका जो है बेसिकली ऊपर आने के लिए गिरा था, बच्चे को सब उसका निकाल लिया गया, उसको अस्पताल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही जो नाला खुला हुआ था, जिसके लिए जो निगम के संबंधित जो कार्मिक है जिनकी लापरवाही रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा करेक्टिव एक्शन। और इसके लिए जहाँ जहाँ पे भी अपने नाले खाली है, बेसिकली जो वर्किंग एजेंसीज है, कई जगह निगम काम करा रहा होता है, कई जगह RUIDP करा रहा होता है, कहीं कोई और करा रहा होता है, सबको यही निर्देश दिए गए कि भाई आपका जहाँ पे भी काम चल रहा है वहाँ पे आप उसको कवर करें। कवर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बैरिकेड वगैरह प्रॉपर आपकी वो करके रखे, ताकि कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। फिर भी यदि किसी की लापरवाही रहती है तो प्रॉपर उनकी अकाउंटेबिलिटी। सर बारिश ज्यादा तेज आई, ये जो पानी है नाला ऊपर से खुला था, साइड में ये जो भी नाला था ना ऊपर से खुला था। हमने पार्षद को भी बोला, जो नाला बना उस ठेकेदार को भी बोला कि इसको पे करवा दो आप, या फिर आप जो जो पहले खोद रखा है उसको पे करो, फिर आप आगे खोदो। इन्होंने बोला कि हम एक साथ खोदेंगे, एक साथ पैक करेंगे। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बारिश आ रही तो आगे बैरिकेड लगाए, या पीने के खतरा भी, आप पानी है। एक बच्चा आ रहा था मेरे जितना, 20 साल का लड़का था, वो नाले के अंदर गिर गया, नाले के अंदर गिर गया, वो डूबा। आधे घंटे बाद उसको बाहर निकाला, आधे घंटे बाद पुलिस आई, पुलिस के आते ही 5 मिनट में एम्बुलेंस आ गई, पुलिस के जवान भी अंदर कूद के उसको बाहर नहीं निकाला। किसने निकाला? हमारे लोकल मोहल्ले वाले लड़कों ने अंदर कूदे, उसको बाहर निकाला।